फ्लैक्स प्रिंटिंग का आज से 5-6 महीना पहले ऐसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि और निर्वाचन से भी आदेश आया है कि फ्लैक्स प्रिंटिंग की जगह कपड़ा प्रिंटिंग हो सकता है। उसमें फ्लैक्स एक प्लास्टिक की वजह से जो उन्होंने बंद किया है उसकी वजह से बंद हो, इसी कारण हर पार्टियों को दिक्कत आ रही है। और उसकी जगह उन्होंने एक कपड़े का फ्लैक्स आया है जो जो कि काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। इस कारण इस बार वो बाजार में या चुनाव में कम उसका कम उपयोग हो रहा देखिए, मैं समझता हूँ एक तो चुनाव आयोग के द्वारा हर प्रत्याशी को चुनाव खर्च की एक सीमा कर दी गई, लिमिट कर दी गई है, तो कुछ उसको भी ध्यान में रखते हुए और चुनाव के समय में पहले तो बहुत फ्लैक्स चलते थे, लेकिन अभी जो फ्लैक्स हैं उसमें कुछ पोल्यूशन का भी खतरा रहता है, तो मैं समझता हूँ कि इसको भी देखते हुए ऑर्डर कम रहे होंगे। और दूसरी बात है फ्लेक्स से छपा के जो डिस्प्ले करने का, अभी थोड़ी आचार संहिता में उसकी बहुत ही कड़ाई है, लगाना उसके लिए परमिशन देना, परमिशन भी अभी 4 दिन के लिए ही एक बार में मिलता है, तो वो भी थोड़ा कॉस्टली है। एक बार पहले छपा देते थे महीनों पर रहता था, 1 महीने का किराया एक बार में लेते थे जो बोर्ड वाले हैं। इस बार बहुत ही बुरी स्थिति है, काम काज बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बीच में पर्यावरण के नाम से कुछ मीडिया को बैन किया गया था और जो उसके बदले कपड़े वाला आया है मीडिया, उसमें रेट ज़्यादा होने के कारण और कुछ प्रशासन की जो नीति है, उन्होंने जो परमिशन के लिए कहा है, तो कुछ लोगों को भ्रांतियाँ हैं कि परमिशन पहले लेना है कि बाद में लेना है। अभी तक कोई भी चीज़ डिसाइड नहीं हुई थी, आज कलेक्टर साहब के यहाँ मीटिंग हुई है कुछ राजनीतिक पार्टियों को लेके, तब ये क्लियर हुआ है कि पहले आप छपवा लीजिए और हमारे पास जो छपवाए हैं उसकी कॉपी भेज दीजिए, और बाकी कॉपी जो प्रिंट कर रहे हैं वो लोग भी भेजेंगे और अपने पास रखेंगे, और चेक होगा उसमें कोई गलती होगी तो होगा। अब देखिए दीपावली के बाद यदि कुछ काम उठता है, वरना अभी तो बहुत ठंडा चल रहा है।